करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेटरल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की
या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2,00,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75,00,000 बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से, मैं पक्का मानता हूं, आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।